इधर मोदी जाएंगे मंदिर, उधर राहुल चिकन पकाएंगे, योगी मंत्र पढ़ेंगे, लालू टोपी लगाएंगे। चार तस्वीरों से समझिए 2024 का चुनाव का मुद्दा। तमिलनाडु से चली हिंदू विरोधी हवा, कर्नाटक के रास्ते पहुंची दिल्ली। सोनिया की सलाह पर विपक्ष ने बनाया प्लान भाईजान। 80 बनाम 20 नहीं, 20% वोट में ही होगा खेल। पसमांदा ना जाए बीजेपी के पास, इसीलिए विपक्षी नेता अभी से पहन रहे टोपी। एक कहावत है, दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम, और यही हाल विपक्ष का होने वाला है। उसकी असल दुविधा ये है कि हिंदू वोटर्स उससे नाराज हैं, तो मुस्लिम वोटर्स को ही मना ले। इसलिए लालू यादव और सोनिया गांधी ने मिलकर प्लान भाईजान बनाया है, जिसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। ये वो चार तस्वीरें हैं जो 2024 चुनाव की दिशा तय करने वाली हैं। पहले वो तस्वीर देखिए, फिर बताते पूरी कहानी क्या है। पहली तस्वीर लालू यादव और राहुल गांधी के चिकन बनाने की है। 2 सितंबर की ये तस्वीर कांग्रेस ने ट्विटर पर अपलोड की, पर वीडियो सावन के महीने का बताया जा रहा है। तो सवाल है कि जिस महीने में ज्यादातर हिंदू सात्विक खाना खाते हैं, उस महीने में लालू और राहुल क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये वीडियो शूट करवा रहे थे? दूसरी तस्वीर ममता बनर्जी के टीका लगवाने से इनकार करने की है। वो मुंबई पहुंचती हैं तो एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए खड़ी लड़कियां उन्हें टीका लगाने की कोशिश करती हैं, पर वो मना कर देती हैं। मतलब जय श्री राम के नारे के साथ साथ ममता दीदी को तिलक से भी दिक्कत है, यानी उन्हें हिंदू वोट नहीं चाहिए। आप तीसरी तस्वीर देखिए, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे की बेटी प्रियांक खड़गे। उन्होंने कहा, धर्म गैर बराबरी का हो तो धर्म बीमारी की तरह है। चौथी तस्वीर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की बेटी उदयनिधि स्टालिन की है, जिन्होंने 48 घंटे पहले एक बयान दिया कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, जिस पर खूब बवाल मचा। बाबा बागेश्वर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये रावण के खानदान के हैं, जो भी सनातन का अपमान करेगा उसकी गठरी और ठठरी दोनों बांध दी जाएगी। पर सवाल है कि क्या ये सब कुछ एक तय प्लानिंग के तहत हो रहा है? जिस मुस्लिम समीकरण से लालू ने कई बार बिहार का चुनाव जीता, क्या उससे भी बड़ा प्लान इस बार सोनिया के साथ मिलकर उन्होंने बनाया है? तो इसका जवाब इन चार तस्वीरों से आप आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी खबर है कि इस बार विपक्ष ने RSS के सुदर्शन चक्र वाले प्लान को काउंटर करने के लिए प्लान भाईजान बनाया है। और इसमें क्या होगा, पहले ये समझिए। लालू से लेकर नीतीश तक, सोनिया से लेकर राहुल और स्टालिन तक सब अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाएंगे। चुनाव में अल्पसंख्यकों से भेदभाव का मुद्दा छाया रहेगा। बुलडोजर से लेकर नू दिल्ली सब पर बात होगी। दुनिया को ये बताने की कोशिश होगी कि बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा। विपक्ष के कई बड़े नेता मस्जिदों में जाएंगे, नमाज पढ़ते देख सकते हैं, टोपी लगाए रैलियां करते दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस का वोट फीसदी आज भी अच्छा है, इसीलिए मुस्लिम वोट बैंक टारगेट कर सीट बढ़ाने पर फोकस होगा। पर यहाँ पर सवाल ये है कि क्या मोदी योगी के रहते विपक्ष का प्लान भाईजान सफल हो पाएगा? दरअसल मोदी ने जब से पसमांदा मुसलमानों पर पार्टी नेताओं को फोकस होने को कहा है, तब से विपक्ष चिंता में है, क्योंकि उसका मुस्लिम वोट बैंक भी खतरे में है। इसलिए इस बार 80 बनाम 20 से ज्यादा बड़ा फैसला 20% मुस्लिम वोटर्स का रुझान करेगा, जिनमें बीजेपी के पसंदीदा पसमांदा भी हैं और विपक्ष के पसंदीदा बाकी लोग भी हैं। आपको याद होगा जब पिछले यूपी चुनाव में ही योगी ने कहा था कि अब सवाल ब्राह्मण वोट बैंक का नहीं बल्कि लड़ाई 80-20 की हो चुकी है। बाद में ये भी कहा गया कि 80% लोग वो हैं जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं, भाजपा के साथ हैं, और 20% वो लोग हैं जिन्हें गैर कानूनी चीजें सही लगती हैं, वो विपक्ष के साथ हैं। हालांकि कई राजनीतिक दिग्गजों ने योगी के इस बयान को दूसरे नजरिए से जोड़कर देखा, क्योंकि देश में 80% आबादी हिंदुओं की है और करीब 20% आबादी मुस्लिमों की, जिसके बाद सवाल ये है कि विपक्ष अगर प्लान भाईजान को लॉन्च करेगा तो क्या मोदी योगी की जोड़ी मंदिर मंदिर से अलग हटकर कुछ नया और बड़ा करने की सोचेगी, या फिर विपक्ष से चिढ़कर सनातनी इस बार मोदी को और बंपर वोटों से जिताएंगे? यहां समझने वाली बात यह है कि जो नेता सिर्फ 20% वोट के लिए ऐसी तरकीब अपना सकते हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान की दुनिया भर में बढ़ते मांग को सहन नहीं कर सकती, लंदन में जाकर ये कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, वो लोकतंत्र का मान कितना रखने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमारा लोकतंत्र तो यही कहता है कि हम सब बराबर हैं। क्या आपको भी लगता है लालू यादव ने जैसे मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर बिहार में राज किया, वैसे ही प्लान भाईजान के दम पर विपक्ष 2014 में सत्ता में आने में कामयाब हो पाएगा, या मोदी योगी की सनातनी हुंकार और नड्डा शाह की चुनावी चाल के आगे इनका सारा प्लान फेल हो जाएगा?